नमस्कार दोस्तों, बस कर जाओ अभी के अगले एपिसोड में आपका बहुत ही ज़्यादा हार्दिक पांड्या स्वागत है। तो आज की शुरुआत अपन लोग एक शेर से करेंगे। शेर कुछ इस प्रकार है कि जब भी मम्मी का फ़ोन आता है माँ ये पूछती हैं कि खाना खाया क्या। ये जो देश में हो रहा है ये आप लोगों को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत दूर करने के लिए हमने आज कुछ खास किया है। और ये खास क्या किया है, हमने देश में जो लड़ाई चल रही है इस टाइम पे, जिन दो आदमियों के बीच ये लड़ाई हो रही है, उनको हमने अपने शो पे बुलाया है एक तरह से इंटरव्यू करने के लिए। तो देवियों सज्जनों, स्वागत कीजिए। एक तरफ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो शुरुआत करेंगे हम अपने प्यारे मोदी जी से। तो मोदी जी, क्या कहना है आपका इसके ऊपर, ये क्या किया आपने, कुछ कहना चाहोगे आप? दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। जी ठीक है, ममता जी आपकी बारी, आप मोदी जी की इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? जाते कोनो के ओके कॉम्पीट करते ना पड़े। बिल्कुल सही इलेक्शन है, आई बिल्कुल सही कह रही हैं। मोदी जी क्या कहेंगे इनके इस सवाल या फिर इनके इस बात पे आपका क्या जवाब है? जैसा कि कल मैंने कहा, ये बजट तो एक शुरुआत भर है। One hour later. चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की One eternity later. तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। जी मोदी जी, तो ममता जी अब आपसे पूछते हैं हम, मोदी जी की इस तंज पे, इस बात पे आपका क्या कहना है? जाते कोनो के ओके कॉम्पीट करते ना पड़े। दिल्ली इलेक्शन 3 hours later তাই সবার মুখ বন্ধ করে দেওয়া। A few moments later আরে একটি কারণে আপনাদের আমি বলি 2016 তো বটে। हो गया। हाँ तो ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए, अपनी बात इस शो में कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर कमिंग। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने कि दोनों पक्षों ने अपनी बात कही और समझ में तो मेरे ख्याल आपको आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में आया है, और मैं भी जानूँ कि साहब क्या समझ रहे हैं लोग इस उनकी बातों से। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, समझदार तो आप लोग हो ही। फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है साहब बनने का कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ में आया, और अगर आपको इस वीडियो को कुछ भी बताना है कि साहब इस पर क्या गलती है, क्या अच्छाई, क्या बुराई है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर ज़रूर करिएगा। बस इतने कहते हैं आज के लिए, बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।